Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो जैसे गाइस आपको पता है, वीवो ने कम्प्लीटली फाइनली एक फ्लैगशिप फ़ोन को डिज़ाइन किया है वीवो X70 Pro Plus के अंदर। एंड आज गाइस मैं ये जो फ़ोन है इसको जो वन प्लस का जो 50 वाट का चार्जर है उससे चार्ज करूंगा, जो वायरलेस चार्जर है। गाइस अब आप पूछ सकते हो कि ये वन प्लस का चार्जर है, वीवो का चार्जर अलग है। गाइस मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने चेक किया है इंटरनेट पर, दोनों का ही आउटपुट बिल्कुल सेम है। आपको अगर नहीं पता है तो कह देता हूँ, दोनों ही वीवो एंड वन प्लस दोनों ही जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंडर आता है। तो जो आउटपुट रखा है दोनों का ही सेम है। बाकी आगे देखते हैं कि चार्ज करके वन प्लस का जो 50 वाट का वायरलेस चार्जर है इसे चार्ज करके देखते हैं वीवो X70 Pro Plus को कितना जल्दी चार्ज कर पाता है। जो वीवो X70 Pro Plus है वो 50 वाट का ही वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है जैसे कि कंपनी ने क्लेम किया है, तो आज हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो गाइस, ऑलरेडी मैं मेरे चैनल पर क्विक रिव्यू एंड जो कैमरा रिव्यू है सारे के सारे वीवो X70 Pro Plus है उसके ऊपर आने वाला है। एंड एक और चीज़ गाइस, मैं जैसे कि आप देख सकते हो जो आईफोन है इसके साथ भी इसका जो कैमरा कंपैरिजन है वो काफ़ी जल्द लेके आने वाला हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखो। ये जो वीक है ये काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। एंड एक और चीज़ गाइस, मैं इस ईयर की एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर को अचीव करना चाहता हूँ। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करोगे। तो जरूर से गाइस मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाएगा, मुझे भी मेरे चैनल को भी एक सिल्वर प्ले बटन मिल सकता है। आप अगर थोड़ा सा हेल्प कर दो बस, फ्री में मुझे सब्सक्राइब बटन को आपको प्रेस करना है और कुछ भी नहीं। तो अगर करना चाहते हो कर दो, मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाएगा। बाकी इस चैनल पर आपको इतना कह सकते हैं, जेन्युइन एंड ट्रू कंटेंट देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो आज हमारे पास है वीवो X70 Pro Plus। एंड इस फोन के अंदर जरा सा भी चार्ज नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो इस फोन के अंदर जरा सा भी चार्ज नहीं बचा है। जैसे कि आप देख सकते हो चार्जिंग करने के लिए बोल रहा है। एंड इसका जो केस है इसको भी मैंने निकाल लिया है ताकि फास्टली चार्ज हो, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड एक और चीज़ गाइस आपको कहना चाहूँगा, आज को चार्ज करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वन प्लस का 50 वाट का वायरलेस चार्जर। जैसे कि आपको पता है वीवो जो X70 Pro Plus है वो 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसलिए मैं वन प्लस का वीवो का चार्जर हमारे पास नहीं है। बट फिर भी जो आउटपुट है वो सारे के सारे सेम ही है। जैसे कि आपको पता है कि वन प्लस एंड वीवो एक ही कंपनी के अंदर आता है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसलिए जो आउटपुट रखा है वो सेम ही है। इसलिए हमारे पास वन प्लस का और 50 वाट का वायरलेस चार्जर है, उसी को आज हम यूज़ कर रहे हैं चार्जिंग करने के लिए। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टॉप वॉच है उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। एंड आप देख सकते हो जरा सा भी चार्ज नहीं है, फ़ोन बिल्कुल शट डाउन है। तो देखते हैं, तो जैसे गाइज आप देख सकते हो जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो गया है होना, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं उसके साथ साथ जो स्टॉप वॉच है उसको भी ऑन कर दिया है। तो अब इस तरीके से गाइज 5 मिनट तक चार्ज करेंगे, उसके बाद फ़ोन को ऑन कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़ोन को ऑन करके स्विच ऑन करके चार्ज करता है। अभी तो स्विच ऑफ है, बट 5 मिनट के अंदर फ़ोन का स्विच को मैं ऑन कर दूंगा। तो इसी तरीके से 5 मिनट तक रखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं 5 मिनट में, देखते हैं कितना परसेंट चार्ज होता है। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो घड़ी में होने वाला है 5 मिनट पूरा। एंड 5 मिनट पूरा भी हो गया, अब देख लेते हैं फ़ोन कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ 5 मिनट के अंदर 5% ही चार्ज हो पाया है वीवो X70 Pro Plus के अंदर। तो चलिए मैं अब स्विच को ऑन कर देता हूँ। तेरी गाइज आप अपना मेरा पासवर्ड देख रहे हो, किसी को बताना मत जरूर से। सो अब गाइज मैं बैकग्राउंड से जो सारे के सारे एप्लीकेशन है उसको क्लियर कर देता हूँ। इंटरनेट विंटरनेट सब ऑफ है, जैसे कि आप देख सकते हो सब कुछ मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब इसी तरीके से चार्ज करेंगे एंड देखता हूँ मैं 15 मिनट बाद वापस आके कि फ़ोन में कितना परसेंट चार्ज होता है। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो 15 मिनट हो गया है एंड हमारा जो फ़ोन है वो आप देख सकते हो 22% चार्ज कंप्लीट हो गया है। तो 15 मिनट में ठीक ठाक ही हो रहा है 22%। अब मैं पूरा आधे घंटे बाद वापस आता हूँ एंड देखता हूँ आधे घंटे में वायरलेस चार्जर से कितना परसेंट चार्ज होता है हमारा वीवो X70 Pro Plus। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पूरा 30 मिनट हो गया है
एंड आप देख सकते हो 49% चार्ज हो गया है, तो बुरा तो नहीं है गाइस। वायरलेस चार्जर से 30 मिनट के अंदर लगभग 50% कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो 49% हुआ है। सो अब मैं और 30 मिनट बाद वापस आता हूँ एंड पूरे एक घंटे बाद वापस आके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वायरलेस चार्जर से कितना परसेंट चार्ज होता है। एंड एक और चीज़ गाइस कहना चाहूँगा, इस टाइप का वीडियोज़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कर देना। इस टाइप का वीडियोज़ आपको यूट्यूब में मिलेगा भी नहीं, तो अगर लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कर देना। ओके गाइज, तो जैसे कि आप देख सकते हो पूरा एक घंटा कंप्लीट हो गया है एंड हमारा जो फ़ोन है वो आप देख सकते हो 77% वीवो X70 Pro Plus में 77% चार्ज भी कंप्लीट हो गया है। अब और देखते हैं कितना ज़्यादा समय लेता है ये फुल टू चार्ज कंप्लीट होने में। सो अब मैं पूरा उसी वक्त वापस आऊँगा जिस वक्त 99% चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो एक घंटे में 78%, ठीक है, वायरलेस चार्जिंग के हिसाब से 4500 mAh का बैटरी है तो काफ़ी सही है, 50 वाट का वायरलेस चार्जर है, देखते हैं। और ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 घंटा 15 मिनट हो गया है एंड हमारा जो फ़ोन है उसमें आप देख सकते हो 96% चार्ज कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा और टाइम तक वेट करना पड़ेगा मुझे, देखते हैं 4500 mAh को बैटरी को कम्प्लीटली चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जर से कितना और समय लगता है। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो घड़ी में हो गया है 1 घंटा 24 मिनट एंड आप देख सकते हो जो हमारा फ़ोन है वो अभी 100% चार्ज कंप्लीट हो गया। तो फाइनली गाइस, वायरलेस चार्जर से चार्ज करने के लिए वीवो X70 Pro Plus समय ले रहा है 1 घंटा 24 मिनट के आसपास, जैसे कि आप देख सकते हो, तो काफ़ी इंप्रेसिव है रिजल्ट। आप अगर वायर से चार्ज करते हो तो और भी शायद से 1 घंटे से भी कम समय में चार्ज हो जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो ऊपर आई बटन में, वायर चार्जर से चार्ज करने में कितना समय लगता है ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा। एंड एक और चीज़ गाइज, आप अगर इसका बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट देखना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके बताओ, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट के ऊपर, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज देख लिया वीडियो, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा समय लगा, बाकी मुझे काफ़ी सही लगा जो स्पीड है वो। एंड एक और चीज़ गाइज, जो वायर चार्जर है उससे भी मैं इस फ़ोन को चार्ज करूँगा, वो वाला वीडियो कल या फिर परसों में अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पर, तो अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है इस टाइप का वीडियोज़ बनाने में, तो लाइक डेफिनेटली कर देना। एंड कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो मेरे लिए नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं 100% सारे के सारे कमेंट रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बस गाइस, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।